नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पुरानी बैटरी जो भी होती है, पानी वाली बैटरी यानी कि लेड एसिड बैटरी को जब भी हम नई बैटरी के साथ रिप्लेस करते हैं तो आप देखते हैं कि दुकानदार उस बैटरी को खरीद लेता है। अदरवाइज दुकान गांव में देखते हैं कबाड़ वाले उनको ले जाते हैं, या फिर अलग से एक मोपेट वाले या फिर साइकिल वाले घूमते रहते हैं कि पुरानी बैटरीज दे दीजिए। तो हाँ दोस्तों, हम इन बातों पे कभी गौर ही नहीं करते कि इन बैटरीज का आखिर में होता क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी उसी पे होने वाली है कि जो रिप्लेसमेंट्स बैटरी होती हैं वो किस काम में आती हैं और उसमें कितना मुनाफा होता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप चाहें तो इसे जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप लेड एसिड बैटरी को रिप्लेस करते हैं, यानी अपने घर की इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी या फिर किसी भी चीज की बैटरी को रिप्लेस करते हैं, अगर वो लेड एसिड यानी कि पानी वाली बैटरी है, तो उसमें क्या होता है कि जिंक के पैनल्स लगे होते हैं और जिंक के पैनल्स डेज ऑन डेज अगर 3 साल 4 साल यूज कर लिया ना तो वो गल जाते हैं। गलते हैं तो जिंक जो है वो रहता तो उसी बैटरी में है, बस एसिड के साथ वो मिक्स हो जाता है और प्लेट्स जो है गल जाती हैं, तो जिससे उनको वो करंट को नहीं बना पाती हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो पुरानी बैटरीज होती हैं उसके पानी को गिरा के दुकानदार जो भी हैं जहां से आप रिप्लेसमेंट बैटरी लेते हैं उसकी वेट करते हैं और वेट के हिसाब से आपको मनी डिडक्ट कर देते हैं, न्यू बैटरी के प्राइस जो भी अमाउंट है उससे कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जिंक ही जो ऐसी मेटल है जो कि बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पूरी बैटरी उसी की वजह से बनी होती है, जिंक और लेड और एसिड। तो दोस्तों जिंक जो है ना वो बहुत ही ऐसा मेटल है जो कि गर्म करके फिर से उसको प्लेट्स को हम रीमोल्ड कर सकते हैं और एक नई बैटरी की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बस बात ये होती है कि जब भी दो बैटरीज के जिंक्स को हम मेल्ट करके मोल्ड करेंगे तो दो बैटरी से एक नई बैटरी बन जाएगी। तो सपोज अगर हम आज की डेट में बात करें कि 150 एम्पीयर की बैटरी नियर अबाउट अगर हम लेना चाहें तो 13 से 15-16 हज़ार के बीच की आती है, डिपेंडिंग ऑन द वारंटी एंड प्रोराटा बेस पे है कि कैसे है। दोस्तों मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो दो बैटरीज है ना, सपोज 60 kg की बैटरी हो रही है तो 60 kg दोस्तों अभी जो मार्केट में बैटरी परचेजिंग के रेट चल रहे हैं ना, जो कि 30 से 35 रुपए के आसपास में चल रहा है, 30 से 35 रुपए पर केजी। अगर बैटरी आपकी 60 kg की निकलती है ना तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करती है, 6 × 3 = 18। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि दो बैटरी से हम एक नई बैटरी बना सकते हैं, तो मिनिमम आप मान के चलिए कि 3-3 हज़ार की बैटरियां बिकती हैं, 3,000-3,500। अगर दो बैटरीज भी दुकानदार खरीदता है और उसको कंपनी को 7,000 में बेच देता है 1,000 मुनाफे के साथ, लेकिन कंपनी उसको रिमोल्ड करती है, 1,000-1,500 और खर्च करेंगी और उस बैटरी को नए मोल्डिंग के साथ नई बैटरी बना देंगे जिससे कि कंपनी को 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसका कोई एनालिसिस नहीं होता। और जब भी रिप्लेसमेंट बैटरी कोई नई बैटरी लेते हैं ना तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते कि पुरानी को किस रेट में लिया जा रहा है और नहीं लिया जा रहा है, उसको कहीं पता भी नहीं करते। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जब भी कोई खरीदता है तो पता करता है कि क्या रेट चल रहा है इस दुकान उस दुकान, बट न्यू बैटरी के रेट्स लोग परचेज करते टाइम पता करते हैं कि न्यू बैटरी जो है वो इतने रुपए चल रही है, इतने रुपए चल रही है। लेकिन अगर ओल्ड बैटरी की हम बात करें ना तो नहीं पूछते लोग, किसी भी रेट में दुकानदार ले लेता है और लोग दे के चले आते हैं। दोस्तों तो इस बिजनेस आइडिया को आप करके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, आपको कुछ भी नहीं करना है। बैटरी जहां भी अगर आपको दिखे कि रिप्लेस हो रही है या फिर कोई बेचने की मूड में, तो उसको खरीद लें और उसको जो मार्केट रेट है आपके आसपास उसको पता कर लें और उसको ले जाके होलसेलर को दे दे, जो बैटरी को परचेज करते हैं वो आगे चल के उसको कंपनी को भेज देगा। तो सिंपल सा है, दिन में अगर दो बैटरीज भी आप भेजते हैं तो आराम से 1,000 से 2,000 रुपये आप खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों होप वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि जिंक एसिड बैटरी की रिप्लेसमेंट कैसे होती है और कंपनीज उसका क्या करती हैं और इससे आप कैसे अपने आप को एक बिजनेस आइडिया के रूप में यूज करके इससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।